हूं अनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। अयोध्या में हुआ कथा का समापन, समापन दिवस पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री, सुरेश पाशी ने दिया गुरुकुल उदान। जौनपुर में चोरों के हौसले बुलंद, पत्रकार के घर किया हादसा, लाखों के जेवरात और नकदी की हुई चोरी। और कानपुर में मनाया चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर मना उत्सव, पूर्व प्रधानमंत्री का 119वां जन्मदिवस समारोह। अब खबरें विस्तार से। रामनगर प्रखंड के चमडिप गांव में गुरुवार को बिजली विभाग ने नया तार लगाया है। वोल्डास कंपनी ने आज चमडिप गांव में 11,000 तार लगाया। इस दौरान चुनी गिरी ने बताया कि अब तक बिजली की जो समस्या थी वो आज शायद बिजली विभाग के नए केबल लगाने से खत्म हो जाए। उन्होंने आगे कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अब बिजली समस्या का समाधान निकल सकेगा। कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। 11,000 के तार जर्जर हो चुकी थी, जो कि हम लोग बिजली विभाग और अपने सरकार से मांग उठा रहे थे। और इस गुदगुदी पंचायत में 11,000 के तार के चलते कहीं गन्ना जल जाता था, कहीं जो है धाने जल जाता था। इसको बारे में हम लोग लगातार बिजली विभाग और सरकार को अवगत कराते रहे, जो कि सरकार की मांगे जो हमको लगा कि मान ली, और जो है गुदगुदी पंचायत के 11,000 तार का पूरा जो है बदलाव हो रहा है, जो कि वोल्टास कंपनी ने ली है। आज हम लोगों का जो गुदगुदी पंचायत के बिजली विभाग की समस्या थी वो लग रहा है कि पूरी हो रही है, पूरे रामनगर प्रखंड में हो रही है। अच्छा। बाकी अदर चंद्रोल बकवा साइड गोवर्धना साइड का पूरा चेंज कर दिया गया एलटी का काम। और यहाँ के इंजीनियर सर हैं राहुल सर, उनके द्वारा पता चला कि गुदगुदी पंचायत में जितना भी 11 KV तार है वो काफ़ी डैमेज हो गया, टूट टूट कर गिर जाए, जिसकी वजह से लाइट का बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी गुदगुदी पंचायत में। तो हम लोग का एक ट्रेंडिंग है, इनके ट्रेडिंग के नाम से चलता है हम लोग का कॉन्ट्रैक्टिंग, उन्हीं के थ्रू हम लोग आए हुए हैं यहाँ रामनगर में। और आपको तुलकौलवा से लेकर चूड़िया से रेह तक जितना भी 11 KV तार है सबको चेंज कर दी गई है। और यहाँ से जितने भी गांव के ब्रांच है सभी ब्रांच की ये तार चेंज की जा रही है, आज से फिर शुरुआत किए हुए हैं। लगभग यहाँ 5 ब्रांच है, तो इसे 10 दिन तक पूरा चेंज कर दिया। 10 दिन तक यहाँ काम चलेगा? जी 10 दिन तक चलेगा काम। उन्नाव जाजमऊ पुल के पास एक सड़क हादसा हो गया, यहाँ एक स्लीपर बस पलट गई। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। हादसे की खबर के बाद क्षेत्रीय लोगों का यहाँ जमावड़ा लग गया। क्षेत्रवासियों ने काफी मशक्कत करके घायलों की मदद की। कानपुर से आयुष शुक्ला की रिपोर्ट। मोलेश्वर धाम महादेवन मिझूटी में चल रही श्री राम कथा का समापन गुरुवार को हुआ। इस समापन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश पाशी शामिल हुए। सुरेश पाशी ने जानकी कुंज अयोध्या से पधारे संत करपात्री महाराज कृपा पात्र ओजस्वी वक्ता कथा व्यास पंडित सतीश चंद्र शास्त्री से इस दौरान आशीर्वाद प्राप्त किया और श्री राम आर्स गुरुकुल विद्यापीठ के लिए उन्होंने संकल्प लिया। मंत्री ने इस दौरान कहा कि महाराज जी जब भी भूमि पूजन करेंगे उस समय एक कमरे का योगदान मंत्री अवश्य करेंगे। उसके बाद कथा के आयोजक श्री भूप नारायण पांडे ने 11,000 का चेक गुरुकुल को दिया। कथा के प्रमुख आयोजक मिझूटी ग्राम प्रधान शिव कुमार यादव ने कहा कि भूमि पूजन के समय सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी गुरुकुल के लिए बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। इस अवसर पर कथा के आचार्य पंडित शिवम मिश्र, राजकुमार तिवारी, शिव कुमार यादव, मनोज सोनी, जयराम यादव, आशीष पांडे, उद्धव दुबे समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। जौनपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों ने एक पत्रकार के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। पूरा मामला लाइन बाजार थाना क्षेत्र के उमरपुर हरिबंधनपुर गांव का है। चोरों ने जेवरात समेत नगदी पर हाथ साफ किया है। इस दौरान पत्रकार का परिवार घर पर मौजूद नहीं था। जैसे ही परिवार घर पहुंचा तो पत्रकार का पूरा परिवार ये देखकर दंग रह गया। पीड़ित ने लिखित में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। रिपोर्ट। मामला यह है कि हमारे यहाँ कल रात में चोरी हुई है। कितने बजे? ये लगभग जो है हमको जो है सूचना जो है लगभग 9:30 बजे करीब सूचना मिली है। किसके द्वारा? हमारे बेटे के द्वारा। बेटा भी हमारे काम पे गया था और बेटा जब घर पे आया तो देखा कि
ताला टूटा हुआ था हमारे रूम का, और उसमें अलमारी रखी हुई थी जिसमें कि अलमारी की खोल के जो है उसका वो लाकर में है जी, गिलास से उसको तोड़ा गया है, चाड़ के उसको निकाला गया है, जिसमें कि उसमें हमारा 30,000 रुपया रखा था जी, और मिसेज के हमारे जो है गहने रखे थे जी। और रात में हम लोग गए थे ससुराल, हमारी सरहज की तबीयत खराब थी जी, उन्हीं को देखने गए थे, और जब मुझे जानकारी हुई तो मैं तत्काल जो है थाना लाइन बाजार यशो को फ़ोन किया, जिसमें कि उनका फ़ोन एक बार लगा, लेकिन दोबारा फ़ोन किया गया तो लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताया गया जी। फिर उसके बाद 2-3 बार मैंने फ़ोन लगाया, उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताया थाना लाइन बाजार यशो का। उसके बाद आपने और कहीं से? उसके बाद मैंने एसपी को फ़ोन किया जी, एसपी के प्यारो साहब ने बताया कि साहब जो है अभी मीटिंग में हैं जी, तो हमने पूरी जानकारी बताई कि हमारे यहाँ सर ऐसी ऐसी बात है, मैं फलाफला आदमी बोल रहा हूँ जी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करके बताता हूँ जी। फिर उसके बाद मैंने जो है रात को 10:30-11 के लगभग जो है जी, मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया, डीएम साहब के प्यारों ने फ़ोन उठाया और उनको जो है मैंने अपने घर के सारी चीज को मैंने अवगत कराया कि सर ऐसी ऐसी हमारे यहाँ दुर्घटना हुई है। कोतवाली कासिमपुर जनपद हरदोई में एक युवती की लाश मिली। बता दें कि ग्राम सरेहरी मजरा पिथावा में एक 19 वर्ष की लड़की की लाश मिली, जिसकी डेड बॉडी गांव के बाहर एक खेत पर मिली। इस मामले की जानकारी जैसे ही उसके पिता नरेंद्र को दी गई तो उसके होश उड़ गए। उसने सबसे पहले पुलिस स्टेशन कासिमपुर को इसकी सूचना दी। तुरंत जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची। प्रभारी निरीक्षक ने बारीकी से मामले की जांच शुरू की। युवती के पास से एक मोबाइल बरामद हुआ। वहीं मृतक युवती के चेहरे पर चोट के निशान भी पाए गए। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। वहीं पिता नरेंद्र की तहरीर पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने बताया कि जल्द ही दोषियों को पकड़ा जाएगा। इसके लिए 5 टीमों का गठन भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। हरदोई से चंगीराम मिश्रा की रिपोर्ट। हरदोई का प्रकरण है, इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक तकरीबन 20-21 साल की लड़की का मृत शरीर सरसों के खेत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें, मैं फील्ड यूनिट, उच्चाधिकारीगण, राजपत्रित अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे थे। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और तत्काल ही परिजनों से तहरीर लेकर के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के वर्कआउट करने के लिए 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। 5 टीमें लगातार काम कर रही हैं। कल से कुछ महत्वपूर्ण क्लू मिले हैं, जैसे कि घटनास्थल से एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया था। इसी तरह से कुछ खास सुराग मिले हैं जिसके आधार पर बहुत जल्दी ही घटना का अनावरण करके दोषी को गिरफ्तार किया जाएगा। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह का 119वां जन्मदिन समारोह राष्ट्रीय सचिव विनय यादव के नेतृत्व में किसान दिवस धूमधाम से मनाया गया। विजधन मोजमपुर में राजकरण प्रधान रामप्रकाश, पूर्व प्रधान राम सागर, पूर्व प्रधान बलवीर महावीर, रामलखन सिंह पोस्टमास्टर, सामन सिंह, सुरेंद्र कुमार डीडीसी, सुरेश कुमार राजेंद्र सिंह, राम सनेही यादव, सुरेश बापू पप्पू गुप्ता, श्री राम बाबू यादव, कुमार राजीव, सोमेश दीक्षित, धर्मवीर यादव, ओमजी सुमित, सोनू यादव, अमित, बीडीसी प्रदीप राजपूत, मिंटू राठौर, प्रधान राजू, बीटीसी, भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। सपा नेत्री रचना सिंह ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। कानपुर से आयुष शुक्ला की रिपोर्ट। लखनऊ में हुए मिसेज यूपी क्वीन ऑफ वर्चुअल कार्यक्रम में महिलाओं ने अपना टैलेंट दिखाया। इस कार्यक्रम में बांदा की इंदिरानगर निवासी अर्चना वर्मा उपविजेता रही, तो वहीं लखनऊ की अदिति सिंह विजेता रही। कल्याणपुर निवासी गरिमा शुक्ला को कार्यक्रम में साइनिंग स्टार ऑफ यूपी का टाइटल दिया गया। अर्चना वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में 21 महिलाओं ने प्रतिभाग लिया था, लेकिन इसमें प्रदेश की महिलाओं का इंटरेस्ट और बढ़ना चाहिए। इसके आगे उन्होंने कहा कि इससे मॉडलिंग का भी मनोबल बढ़ेगा और महिलाओं का भी मनोबल बढ़ेगा। अर्चना के माता पिता ने अपनी बच्ची पर गर्व किया और उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची का संघर्ष प्रयासशील रहा है, हम सब बहुत खुश हैं, उसने बांदा जनपद का नाम रोशन किया, आगे भी इसी प्रकार प्रतिभाग करेंगे। विजेता अर्चना ने कहा कि अब महिलाएं ही समाज के लिए नजीर बनकर उभरती है, महिलाओं को 4 दीवारों में कैद नहीं होना चाहिए। बांदा से आशा देवी की रिपोर्ट।
जो उनके अंदर एक वो है जी कुछ बदलने की जी, तो वो अपना जो है फ्री है, अपना कर सकती है। भाई देखिए, मेरा नाम रामलाल वर्मा है जी, मैं पूर्व प्रबंधक जो है तुलसी ग्रामीण बैंक जी मैं रहा हूँ और इस समय मैं रिटायर्ड हूँ। और इस बीच जो है तमाम मुसीबतों का हमने सामना किया, संघर्ष किया, ठीक उसके परिणाम स्वरूप बेटी ने जो है BA LLB किया जी और आज जो है वो इस पोजीशन पे आ पाई। देखिए, ये मेरा कोई स्थान नहीं है, ये मुझे इसमें सब टाइटल का जो एक मिला है मिसेज विवेसियस के नाम से। आपको यहाँ तक पहुँचने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? वैसे तो मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ उठाई हैं अपनी। पहली चीज़ तो मेरे घर पे मेरे कोई भी इस बात को परमिशंस देने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी मैंने उनको किसी तरह से एग्री किया। अपने हस्बैंड, अपनी मम्मा पापा सबको मैंने एग्री किया कि मुझे कुछ करना है और अपने सपनों को आगे बढ़ाना है। तो मेरी मम्मा का कहना था कि आप तो ऑफ टाइम मैरिड हो, तो मैंने उनको समझाया, देखो मम्मा आप जो भी मेरी ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी की शादी हो जाए तो उनकी जो लाइफ है वहीं पे ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। आप शादी के बाद भी आप अपने सपनों को बढ़ाने का पूरा आपको हक मिलना चाहिए। मैं इनफैक्ट मैंने जो किया और मैं आगे भी लोगों को वही प्रोत्साहन करूंगी कि आफ्टर मैरिड आप अपनी लाइफ को मत ख़त्म करो, आगे बढ़ाओ, कुछ करने का जज्बा रखो, अपने सपनों को व अपनी सोच को बदलने का मौका दो। एक मौका इनफैक्ट हम महिलाओं को मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, इसमें आप लोगों को सरकारी कोई सहायता मिली? सरकारी सहायता तो देखिए नहीं मिली है, और इसमें देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप का आपके अंदर अगर कोई क्वालिटी है तो सरकार आपको खुद पे खुद आपको एक मौका देगी। जनपद हरिद्वार के जाट बाहुल्य क्षेत्र नारसन में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का 119वां जन्मोत्सव मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ किसान नेता चौधरी ब्रजपाल सिंह ने की। इसका संचालन भाजपा जिला मंत्री योगेश चौधरी ने किया। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मंगलोर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे चौधरी ऋषिपाल ने कहा कि चौधरी चरण सिंह एक ईमानदार नेता थे जिन्होंने सदैव किसानों मजदूरों के उत्थान के लिए काम किया। मंडी समिति मंगलोर के चेयरपर्सन मधु सिंह ने चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालकर उपस्थित लोगों को उनके विषय में जानकारी प्रदान की। भाजपा OBC मोर्चा जिला हरिद्वार के महामंत्री डॉ. प्रदीप कुमार ने कहा कि चौधरी चरण सिंह एक ईमानदार किसान नेता थे। इसके आगे उन्होंने कहा कि भारत की खुशहाली का रास्ता किसानों के खेत खलिहान से होकर निकलता है। ऐसे महान नेता को किसान सदैव याद रखेंगे। कार्यक्रम में दिनेश पवार, प्रताप सिंह, सुशील राठी, सोनू धीमान, मधु सिंह कनक, सिंह पवार, अरुण सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान नेता और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरिद्वार से संजय वर्मा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जनपद के समस्त पत्रकारों ने दशकों से मान्यता प्राप्त पत्रकार विजय विद्रोही के खिलाफ पुलिस या कार्यवाही का जमकर विरोध जताया है। बहुत से ऐसे मामलों में आरोपी को बिना PC किए ही जेल भेज दिया जाता है, लेकिन पत्रकारों का आरोप है कि जानबूझकर SP इनकी छवि बिगाड़ने के लिए, मीडिया की छवि को खराब करने के लिए खास तौर से ये PC कर रहे हैं। ऐसे में पत्रकारों ने SP दफ्तर के सामने ही इसका विरोध प्रदर्शन किया और PC का बहिष्कार किया। विरोध करने वालों में संरक्षक मनोराम पांडे गुरुजी, अवधेश शुक्ला, सतीश तिवारी, अनुराग दुबे, दिनेश श्रीवास्तव, नीरज तिवारी, श्रीकृष्ण पांडे, संतोष पांडे, राकेश तिवारी, ब्रजेश उपाध्याय, पंकज पांडे, राकेश शर्मा, राजदेव शुक्ल, राजीव श्रीवास्तव, पवन मिश्रा, अनूप श्रीवास्तव, फरीद अहमद, अर्शी, ब्रजेश श्रीवास्तव, सर्वेश श्रीवास्तव, फैजान अहमद, धर्मेंद्र सोनी, अवधेश गुप्ता, जय शंकर दुबे, शिव प्रसाद, शिव कुमार दुबे, लाल जी, पंकज गुप्ता, ज्ञानेंद्र तिवारी, विनीत गुप्ता शामिल थे। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत विकास क्षेत्र दुबेपुर के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रत्येक विद्यालय से कुल 185 छात्र सम्मिलित हुए। प्रतियोगिता उच्च प्राथमिक विद्यालय दुबेपुर के BEO KK सिंह की देखरेख में हुई। परीक्षा आयोजक ARP आलोक सिंह, परीक्षक निधि त्रिपाठी, शिल्पी तिवारी, अनामिका सौम्या सिंह और कक्ष निरीक्षक आशा दुर्गेश, खुशबू प्रदीप आरिफ रहे।
उच्च प्राथमिक विद्यालय बहलोलपुर प्रथम, दिखोली द्वितीय एवं कंपोजिट कवरी तृतीय स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में जनपद स्तर पर प्रतिभाग करने के लिए 10 बच्चों की दो टीम मेरिट की वरीयता में के क्रम में उन्हें चुना गया था। प्रतियोगिता में प्रधानाध्यापक नीलम तिवारी, राशिद खान, दिलीप पांडे, मनीष सिंह, शमसुद्दीन रईस, हेमंत आदि ने अपने बच्चों को प्रतिभाग कराया। आशीष तिवारी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।